यहाँ से और अभी चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 3:04 हुए हैं और चढ़ाई शुरू करने लगे हैं। बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सभी रेडी हो गए हैं, तो चलो निकलते हैं। और मैं दिखाता हूँ कौन सा होटल था, क्या नाम था, शिव शिव व्यू, शिव व्यू करके कोई होटल था। और बाकी दिखाता भी हूँ आपको कौन सा था। 900 रुपये आपको बता ही दिया पिछली वीडियो में। चलो चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि आरती के बाद हमें पहुंचना है, आरती होते होते। और फिर तो ये होटल था, होटल शिव पैलेस। और ये देखिए, ये सभी बाहर आते हुए ये भी हमने, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। बैठो बैठो। चलो यहाँ पे हमने दे दिया अब पैसे वगैरह। और ऊपर देखो, एक बात अच्छी हुई है कि रात को जैसे खतरनाक बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। तो माता रानी की कृपा ही है कि मतलब बुरी हाल से बारिश हो रही थी रात को, और अभी ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा हो गया मौसम। ठंड भी ज्यादा नहीं लग रही। नितिन भाई ने वहां से वो डंडे लेके दिए हैं भाभी को और आंटी को, और अब ये डंडे लेके चलेंगे क्योंकि थोड़ा थक जा रहे हैं ये। और नितिन भाई वहाँ पे पेमेंट करते हुए, ओके यहाँ पे फर्स्ट पड़ाव रुके हैं जरा सा, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बैटरी बहुत बैटरी है, आप टेंशन मत लो। ये देखो, इनको फोन की टेंशन पड़ी हुई है क्योंकि तो इनके फोन से ही मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। अब अच्छी बात इस टाइम की पता क्या है, बिल्कुल भी रश नहीं है। मतलब ऊपर जाते हुए हमने सिर्फ दो और मतलब ग्रुप्स को देखा, एक में दो लोग थे, एक में दूसरे में दो लोग थे। तो अब इसका कॉपीराइट ना आए बस, बाकी चलो कोई चक्कर नहीं। अब मेरा कौन सा चैनल मोनेटाइज्ड है, पर मैं कह रहा था कि इस टाइम पे बिल्कुल खाली, और मेरे को लग रहा है अच्छे दर्शन होने वाले हैं ऊपर जाके, मज़ा आएगा। क्योंकि सारे नीचे उतरने वाले दिख रहे हैं, ऊपर जाने वाले हमने सिर्फ दो ग्रुप देखे अभी तक, क्योंकि हम काफ़ी स्लो जा रहे हैं इसलिए पता चल ही जाता है पीछे से कोई ओवरटेक कर ही लेगा। इस दोनों जवान जवान लोग ही गए जो आगे को गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अधिकारी से जो आगे जाते हैं, चार्जिंग पे लगे हुए हैं इस टाइम पे, ये चार्जिंग पोर्ट्स हैं इनके। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। बाकी मेरे को लगता नहीं अभी ये चल रहे होंगे, क्योंकि 350 रुपये टिकट तो थी, पर वहाँ से जहाँ लेते हैं टिकट वो बंद था, शट डाउन था वहाँ पे, बंदर वगैरह भी यहाँ पे। चलो बताओ अपने अपने रिव्यू दो, कैसे लगा। अधिकारी से थोड़ा आगे आ गए हैं, कैसा लग रहा सभी को। भाभी का फर्स्ट टाइम है, नितिन भाई का सेकंड टाइम है, बाकी आंटी और ये भाई आते रहते हैं। आपका भाभी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हैं फर्स्ट टाइम, अभी तक थकावट कैसी है आंटी जी आपको। चलो चलते हैं। और जब रुक जा रहे हैं उसके बाद ठंड लगने लग पड़ रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, चलते रहते हैं तब तक ठीक है। और देखते देखते सुबह हो गई है, मतलब पूरी तरह से सुबह नहीं हुई, पर मतलब जो पहली किरण होती है ना, सूरज तो नहीं दिख रहा लेकिन भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, बस वही हिसाब हो चुका है। और वो सामने वहाँ पे बर्फ भी दिखाई दे रही है, और मे भी ऊपर जो भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ पे भी बर्फ देखने को मिले। बाकी थोड़े थक गए हैं अभी ना, क्योंकि थोड़ा तेज तेज चल रहे थे वहाँ पे अधिकारी से आगे से, और अभी जो है थोड़ा थकना शुरू हो गया, क्योंकि रुक रुक के चल रहे थे, एकदम से शरीर ठंडा भी हो रहा है, तो ज्यादा थकावट हो रही है। भवन कुछ 1 किलोमीटर रह गया और थक चुके हैं सभी, थक चुके हैं अभी। मतलब इस मोड़ से भवन दिखेगा, जो अभी आगे मोड़ आ रहा है ये, यहाँ से भवन दिखेगा, और थक चुका हूँ मैं तो। मतलब स्टेमिना बिल्कुल ही खत्म हो चुका है शरीर का ना, एक तो लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हुए हैं, ना एक्सरसाइज करनी ना कुछ नहीं। चलो
माता ने हिम्मत दी है तो पहुंच गए हैं। और बस यहाँ से भवन दिखना शुरू हो गया, जल्दी से चलें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। वहाँ ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और क्या सही लग रहा है नज़ारा। अभी भी काफ़ी दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन चलो पहुँचने वाले हैं अभी हम। है पत्थर गिरने का खतरा, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। दर्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बैग वगैरह रखने पड़ेंगे, लोकल रूम में है तो अभी पहले दर्शन करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके 10 बज गए हैं और दर्शन हम कराए थे, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। दर्शन करने के बाद जल्दी से शूज़ वगैरह डाल के पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और भटूरे ऑर्डर किए हैं और पहले खा लेते हैं क्योंकि तो जान नहीं है शरीर के अंदर रही बिल्कुल भी, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। रोपवे में जा रहे हैं अभी, वो जो जा रहा है ना जैसे, बस उसमें ही जाएंगे अभी। पर ये बंदे बहुत ज्यादा बिठा रहे हैं, थोड़े कम कम होने चाहिए थे। 2 घंटे का सफर 2 मिनट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अंदर परमिशन नहीं थी वहाँ वीडियो बनाने की या फोटो खींचने की, तो कुछ कर नहीं पाया। और मैंने कहा यार क्यों ऐसे, क्यों करना ऐसे, रूल क्यों तोड़ने, और 1000 रुपये का अलग से फाइन पड़ जाता वो अलग। तो वैसे एक्सपीरियंस ठीक था, जल्दी से पहुंच गए, ठीक था, मज़ा आया। मतलब फर्स्ट टाइम ही बैठा हूँ मैं, अच्छा था। आप भी ट्राई करना, फीस भी वो मतलब पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया लगा, और आना जाना दोनों है उसमें 100 रुपये में, तो अच्छी बात है। मेरे बाबा के भी दर्शन हो गए हैं और अभी यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है, सेशन चल रहा है, सारे मेरे से फोटोग्राफी करवा रहे हैं। यार ये अच्छी बात नहीं है यार बिल्कुल भी, बस मेरे को फोटोग्राफी नहीं समझ लिया, वीडियो बना रहा हूँ, इसका ये मतलब थोड़ा है। देखो कैसे ताड़ में है कि फोटो खींच रहे हैं मेरी। और अगर कल आते हैं, कल जैसे बारिश हो रही थी तो कल शायद यहाँ पे भी गिरी होगी बर्फ, अभी पिघल गई है। बाकी अभी निकल जाएंगे यहाँ से, वापस इसी से जाएंगे जिससे आए थे केबल कार्ड से, और अभी इनकी फोटो खींच देता हूँ, उसके बाद चलते हैं नीचे के लिए। बाकी हवा देखो यार, हवा ने मेरे बालों की हालत खराब कर दी है। और हम दोबारा से नीचे वापस आ चुके हैं, मतलब भैरव बाबा के दर्शन इससे फास्ट मैंने कभी नहीं किए हैं यहाँ से निकल के। अभी वापस चलेंगे नीचे को, क्योंकि आज के आज ही ट्राई करेंगे वापस पहुँचने की घर के लिए। अभी ज़्यादा उतराई है, चढ़ाई तो है नहीं, जरा सी बीच में आती है थोड़ी सी, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी जिस टाइम रात को आ रहे थे तो कितना खाली खाली था, और इस टाइम पर थोड़ा रश होना शुरू हो गया। टाइम कुछ 11 के बज रहे हैं और आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस टाइम। अच्छा कि हम जल्दी आ गए, अच्छे खुले दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया माता ने दर्शन दे दिए। और हाँ बहुत ज़्यादा, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा हम अच्छे टाइम पे आ गए, दर्शन हो गए खुले, और कोई आ नहीं रहा था। अभी कितने लोग आ रहे हैं इस टाइम पे, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, इसकी आवाज़ ना कुछ, चुपचाप ही चली हुई है और इतनी तेज। बाकी क्या नज़ारे हैं मज़ेदार, बस तो अपनी स्टेट भी ऐसा ही है माहौल, लेकिन यहाँ के अलग से शांति मिलती है। बस एक चीज़ मेरे को नहीं पसंद कि यहाँ पे एक तो जो जल्दी जल्दी करते हैं पुलिस वाले या जो भी यहाँ पे गार्ड वगैरह बैठे होते हैं, ऊपर से हर जगह फ़ोटो नॉट अलाउड, वीडियो नॉट अलाउड, मतलब क्या है यार। तभी तो लोग फॉरेन जाते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, रेवेन्यू उनको मिलता है टूरिस्ट को, थोड़ा तो होना चाहिए अलाउड। अब जैसे वहाँ पे ट्रॉली के अंदर गए थे वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं था। चलो मैंने बोला यहाँ पर लेट जाओ और गोल गोल घूम के जाओ नीचे, बड़ी ज़्यादा उतराई है यहाँ पे, उनके लिए बहुत मुश्किल है जो चढ़ाई पे हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो गया, इजी पीजी। सीढ़ियाँ भी लेनी चाहिए वैसे, अगर मैं अकेला आता या लड़कों के साथ आता तो सीढ़ियों से चढ़ते, सीढ़ियों से उतर जाते, लेकिन अभी उतरते टाइम अब सीढ़ियाँ ले रहे हैं। सामने से व्यू जो है खतरनाक है, सब थक हार चुके हैं,
भाभी के पैरों में दर्द हो रहा है, भाभी कह रहे हैं जुराबे में चल लेती हूँ, नितिन भाई बैठे हैं, आंटी भी थक गए हैं काफी, और यहाँ पे अभी नींबू सोडा पीने वाले हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे। और मैंने हाथ काट लिया अपना, यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं कैमरे में अच्छे से, लेकिन पहले बहुत खून खून निकला था, मैंने चूस के थूक दिया खून, यहाँ से भी कटा दो तीन जगह का, अभी एक दो दिन में ये इसका एंड रिजल्ट दिखेगा। मेरे को डर लग रहा है टेस्ट टेटनस ना हो जाए। और ये है नींबू सोडा, इस गिलास में नहीं ना पिया कभी स्टील का। एंड इट्स लंच टाइम, यहाँ पे राजमा चावल चल रहे हैं और मैं खा रहा हूँ रोटी, क्योंकि मेरे को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए बाकी थोड़ा लाइट लाइट ही करना है, ये दिल नहीं कर रहा खाने का, दो ही रोटियां ली मैंने। पहुंचने वाले हम नीचे ना, बहुत मुश्किल से रूम के अंदर आके पहुंचे हैं, आते ही गिर गए बेड के ऊपर, अभी टांगे हिल नहीं रही हैं, अब शरीर ठंडा हो गया, बहुत दर्द निकल रही हैं। आज मैं घर पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो कल जो है दर्द होने वाली है, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। देखते हैं क्या करते हैं, वैसे निकल ही जाना, अभी आधे पौने घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से किसी तरह से। और फिर उस दिन 10 बजे अमृतसर पहुंच गए थे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा थके होने के कारण मैंने वीडियो वहाँ पे आगे नहीं कंटिन्यू की, क्योंकि रात भी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, जाते ही मैं सो गया। फिर नेक्स्ट डे हम अमृतसर से ऊना आ गए, मतलब मैं और मेरी सिस्टर वगैरह गए हुए थे, मम्मी वगैरह, तो सभी वापस आए। अभी दो तीन दिन बाद मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ एंडिंग है नहीं, तो मैंने सोचा अभी कर देते हैं। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसे ही आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हो, मेरी लाइफस्टाइल, मेरे जो भी मैं करता हूँ उसके बारे में, जहाँ तो मैं घूमने के बारे में बताऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और साथ में एक बेल आइकन आएगा उस पर ऑल को क्लिक कर लेना, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।